नमस्कार, द मीडिया की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, किस तरह से धरती का जो तापमान पड़ रहा है उसके शहरों पर क्या असर होंगे, भारत पर खास तौर पे उसका क्या असर होगा, भारत के कोस्टल इलाकों पर या हिमालयन रीजन पर इसका क्या असर होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रभूषण जुड़ गए हैं जो की जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट है और आई फॉरेस्ट के फाउंडर और सीईओ है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा, धन्यवाद। तो चंद्रभूषण, जब हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत अहम है। हर तरफ इसकी बातचीत हो रही है कि भारत के बारे में क्या बताती है, क्या भारत के बारे में क्या खास बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। पहले पूर्णिमा, ये समझना जरूरी है कि आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये कोई 35 साल पुरानी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ये क्लाइमेट चेंज पे जो साइंस है उसका इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल लीडरशिप को समय समय पे प्रदान करते रहें। इसके कारण आईपीसीसी बनी थी और ये इनकी छठी रिपोर्ट है। पांच पहले रिपोर्ट आ चुकी है और छठी रिपोर्ट की या दूसरा भाग जो है ये पिछले कुछ दिन पहले आया है। और ये जो रिपोर्ट है वो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट, एडेप्टेशन और वनरेबिलिटी, इन तीन चीजों पे ये रिपोर्ट है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि ये माना जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पे, जलवायु परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट होगा, उसका सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आज तक का ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो रिपोर्ट में अगर मैं मोटे मोटे आधार पे बताऊं पूर्णिमा, तो ये रिपोर्ट का ये कहना है कि जो सबसे मुख्य बात ये कहना है कि जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का जी वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो प्रिडिक्ट किया था पिछले पांच रिपोर्टों में जी उससे भी तेजी से बढ़ रहा है, उससे भी तेजी से इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। पहला रिपोर्ट का एक ये निकला है। दूसरा रिपोर्ट का ये निकला है कि रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि भारत जैसे देश जो गरीब है, जिसमें गरीबों की संख्या ज्यादा है, जहाँ की डेवलपमेंट डेफिसिट है, बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल नहीं है, वो देश क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे। इम्पैक्ट अनइवन होगा ग्लोबली, कुछ देशों में इम्पैक्ट ज्यादा होगा, कुछ में कम होगा। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा जो इनकी फाइंडिंग है वो ये कहती है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो अब प्रकृति को हानि कर रहा है, अब वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उन्होंने बहुत सारे स्टडीज इसमें लिस्ट किए हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण जो बाकी जीव जंतु हैं और ट्री स्पीसीज हैं उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। एक बार किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाए तो उसको फिर रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज हार्मिंग नेचर नाउ। इंसान को तो हार्म कर ही रहा है, हमारे हेल्थ को हार्म कर रहा है, जिसमें कि इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी चर्चा हुई है, हमारी इकोनॉमी को हार्म कर रहा है और एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिस्प्लेसमेंट जो है आज के दिन में क्लाइमेट चेंज के कारण जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको तो कर ही रहा है, लेकिन ये अब नेचर को हार्म कर रहा है। ये उनकी चौथी फाइंडिंग रही है। और पांचवी फाइंडिंग ये है कि हम वी आर रीचिंग ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसका मतलब यह है कि अब कुछ दिनों में अगर तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत से ऐसे चीज होंगे जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, जी उसको हम अब वो इट इज ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये पांच मुख्य फाइंडिंग है इस रिपोर्ट के। एक तरह से ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे क्लाइमेट चेंज में तो आगे चल के एक्शन लेने का बहुत फायदा नहीं होगा। जी भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारी कोस्टल सिटीज पर इसका बहुत बुरा असर होगा, हिमालयन रीजन पर बहुत बड़ा बुरा असर होगा और साथ ही एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर और इंफ्रा की बात हो रही है, देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर होगा। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन और कोस्टल सिटीज पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वाटर साइकिल में बदलाव आएंगे हिमालयन रीजन में। और हम अगर पानी की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करती है नदियां, तो नदियों का जो साइकिल है वो बदलेगा। जी देखिए, भारत के ऊपर जो है काफी इसमें आंकड़े डाले गए हैं इस रिपोर्ट में। और रिपोर्ट का जैसे कि आपने कहा कि बहुत क्लियर मैसेज ये है कि इंडियन सिटीज जो हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग सिटीज हैं, जहाँ की गरीब लोग काफी रहते हैं, वो हॉटस्पॉट हैं क्लाइमेट चेंज के।
तो जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज हैं अफ्रीका और एशिया में, स्पेशली साउथ एशिया में, भारत और साउथ एशिया के बाकी देशों में, वो हॉटस्पॉट हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के। पहला हॉटस्पॉट वो है जो कि कोस्टल सिटीज हैं, जैसे कि कोलकाता हो गई, मुंबई हो गया, ढाका हो गया, या आप कराची हो गई, जिसमें कि कोस्टल सिटी, कोस्टल इरोजन, सी लेवल राइज के कारण उन शहरों पे काफी असर पड़ेगा, उन शहरों के पानी पे भी काफी असर पड़ेगा सी लेवल राइज के कारण। दूसरी है शहर जो कि मेनलैंड में है, जो कोस्टल नहीं है, उनमें हीट वेव बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि एक तो डेवलपमेंट पुअर है, लेकिन हीट वेव का इम्पैक्ट बहुत बढ़ेगा वहां पे, फ्लडिंग बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो डिजाइन है सिटीज की, वो बहुत जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो शहर जो है, जैसे कि मैंने कहा, इस रिपोर्ट से बहुत क्लियरली निकल के आता है कि शहर उन जगहों पे जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो शहर हैं हॉटस्पॉट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के। ये पहला निकल के आता भारत के संदर्भ में। तो चेन्नई हो गया, या मुंबई, या कोलकाता, ये कोस्टल जो शहर हैं ये काफी वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के। और दिल्ली जैसे शहर, या हैदराबाद हो गया, वो हीट इम्पैक्ट और फ्लडिंग ये सबसे इम्पैक्टेड होगा। जहां तक हिमालयन इकोसिस्टम का है, ये रिपोर्ट में बहुत ही, एक तरह से देखिए तो बहुत ही अर्जेंट वार्निंग दिया इस रिपोर्ट ने, कि जो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं हिमालय बिल्कुल पे, जी वो एक तरह से इरिवर्सिबल हैं। एक बार ग्लेशियर रिट्रीट हो गए तो फिर वो जो आज के दिन में जो कि उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है फ्रेश नदियों वाटर का, जी वो नदियों पे, और उस समय वो पानी देती हैं जबकि मानसून नहीं होता, जब बारिश नहीं होती है, तो वो पानी बिल्कुल का बहुत ही महत्व बहुत बहुत अधिक है। तो उनका ये कहना है कि ग्लेशियर माउंटेन इकोसिस्टम पर जो इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा कुछ दिन में। आप उसके बाद आप ग्लेशियर नहीं बना सकते हैं, एक बार ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो वो इरिवर्सिबल इम्पैक्ट की बात हो रही है। जी, तो चमोली फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, और इस साथ ही क्लाइमेट चेंज का जो असर है हिमालयन रीजन पर, जिसने आपने बताया नदियों पर, हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर, क्योंकि नदियों से ही फेड होता है ग्राउंड वाटर भी बहुत हद तक भारत में, तो उस पर भी असर पड़ेगा और इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जरूर देखिए, ये जो इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे चीज हैं जो कि आज के दिन में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप पिछले साल देखिए, पिछले साल किस तरह से फ्लडिंग हुई है, जैसे कि नैनीताल में, मतलब कि एक दिन में 400 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, और नैनीताल के मॉल रोड पे फ्लडिंग होना, ये लोगों को एक तरह से एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट था। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट पूरे देश में हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल जो बारिश हुई है वो रिकॉर्ड बारिश हुई है, 1200 मिलीमीटर की बारिश हुई है दिल्ली में। एवरेज दिल्ली में जो मानसून का जो रेनफॉल है वो 600 मिलीमीटर है, दोगुना बारिश हुई। इस बार जो ठंड थी वो भी रिकॉर्ड लेवल पे थी, 1950 के बाद उतनी ठंड दिल्ली में नहीं थी, जो कि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है। तो इस रिपोर्ट में जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हीट वेव से इस देश में लोग बहुत मरते हैं, हमारे देश में किसी किसी साल दो दो तीन तीन हजार लोग हीट वेव से मरते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये कहना है कि अहमदाबाद जैसे शहर वेस्टर्न इंडिया के बहुत ही इम्पैक्टेड होंगे हीट वेव से। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं डॉक्यूमेंट है जो कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ये बताता है कि ये इम्पैक्ट और बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ गया तो फिर बहुत केसेस में ये इरिवर्सिबल होगा, मतलब उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब इसको इससे डील नहीं कर पाएगी। जैसे कि इस रिपोर्ट का ये बड़ा क्लियर ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अब बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। जी, और जो जो विंडो हमारे है वह जल्दी क्लोज हो रही है, जो हम चीजों को ठीक कर सकते थे, या जी उसका, हाँ, बहुत तेजी से विंडो क्लोज हो रही है जी। और ये अगर इरिगेशन पर इसका असर देखें, एग्रीकल्चर पर देखें, तो क्या फूड सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो सकता है आगे चलकर? देखिए, रिपोर्ट का ये कहना है कि अभी तक फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हुआ है। जी सालों साल भारत में भी और विश्व में भी फूड ग्रेन का, अगर आप प्रोडक्शन, सिर्फ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन देखें तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका कारण बहुत है। एक है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो अगर एटमोसफेयर में थोड़ा बढ़ता है तो उससे पेड़ों को फायदा होता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ, लेकिन वो बस जो बढ़ोतरी है, बस एक एक लेवल तक होगा,
उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट का ये कहना है कि आगे जाके 1.5 डिग्री के बाद जब तापमान 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ेगा, अभी हमारा तापमान कोई 1.2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा से बढ़ा हुआ है, और इन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में 2030 2035 में 1.5 डिग्री तक अगर क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद खाने एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी सब पे बहुत इम्पैक्ट होगा। और साथ में ये रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो धरती के तापमान के बढ़ने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। और दूसरे हिस्से में इस रिपोर्ट के ये भी कहा गया है कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, अगर भारत की बात की जाए तो क्या हमें एंशियंट बिल्डिंग डिजाइन, एंशियंट आर्किटेक्चर है उसको रिवाइव करना चाहिए, या एंशियंट वाटर आर्किटेक्चर है उसे रिवाइव करना चाहिए। सोल्यूशन के बारे में क्या सजेस्ट कर रही है रिपोर्ट अंत में? देखिए, इस रिपोर्ट का जो जो कंक्लूजन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि मिटिगेशन इज द बेस्ट अडेप्टेशन। इनका ये कहना है कि जो बेस्ट वे टू डील विथ क्लाइमेट चेंज इज टू रिड्यूस एमिशन, ताकि हम 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ाएं नहीं। तो जितना हम उत्सर्जन कम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारे हित में है। तो इनका पहला ये कंक्लूजन है कि देखिए, अडेप्टेशन का एक लिमिट होता है। आप कितना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बच सकते हैं उसका एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तापमान को 1.5 डिग्री से बढ़ाएं नहीं। तो इनका पहला ये कहना है। दूसरा इनका क्या कहना है कि गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिस इज गुड एडेप्टेशन। इसका मतलब यह है कि चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, या आप प्रदूषण ना करें, या डिफॉरेस्टेशन ना करें, बिल्डिंग डिजाइन जो हमारी जो एंशियंट बिल्डिंग डिजाइन रही है, जब बिजली नहीं थी हमारे देश में, गर्मी तो हमेशा रही है हमारे देश में, बिल्कुल हाँ, तो उस जमाने में जिस तरह से वेंटिलेटेड हाई सीलिंग हाउसेस बनते थे, हाँ, जो आज के दिन में आप राजस्थान की हवेलियों में देख सकते हैं। हमारे देश की आर्किटेक्चर हर एक क्षेत्र की अलग रही है, जो कि एक तरह से पर्यावरण से मिलके वो आर्किटेक्चर हुई। तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो रहा है, आप एंशियंट नॉलेज से भी सीख सकते हैं। इन्होंने भोपाल के लेक के बारे में चर्चा की है, और इन्होंने कहा कि किस तरह से लेक को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप अर्बन फ्लडिंग को, शहरों में अगर आप बाढ़ को रोकना चाहते हैं, तो लेक को बताना बचाना कितना जरूरी है, जो कि बेंगलुरु जैसे शहर के लिए और हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इनका ये कहना है कि आप या तो शहर में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बढ़ना चाहते हैं, तो आप शहर के शहरीकरण को ठीक कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं, तो आप वाटर हार्वेस्टिंग, सॉयल मॉइस्चर कॉन्जर्वेशन, ये सब पे काम कीजिए। तो रिपोर्ट का जो कंक्लूजन ये है कि आपको कॉमन सेंस गुड डेवलपमेंट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से बचेंगे। अगर क्लाइमेट चेंज और बैड डेवलपमेंट रहा तो उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक है। और तीसरा जो कंक्लूजन ये है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि वी विल हैव टू लीव नेचर अलोन। हमें जो है प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा। रिपोर्ट का ये कंक्लूजन है कि 30 से 50% जमीन, समुंदर और फ्रेश वाटर रिसोर्स को हम ह्यूमंस को उसको टच करने की जरूरत नहीं है। हमें उसे बाकी जीव जंतु और प्रकृति के लिए छोड़ देना चाहिए। जी अभी के समय हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, वो एक तरह से कोई ऐसी जगह नहीं बची है पृथ्वी पे जिसपे हम इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक और इनका कंक्लूजन है कि हमें वी हैव टू लीव नेचर फॉर नेचर। हमें जो प्रकृति है उसको उसको छूने की जरूरत नहीं है। वो 30 से 50% जमीन, समुन्दर और फ्रेश वाटर रिसोर्स की बात हो रही है। तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप अनसस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है उसको अगर कम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से बचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, आपने जिस तरह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की इस रिपोर्ट पर आपने हमें इनके हाइलाइट्स बताए, वो क्या कहती हैं भारत के बारे में ये बताया, एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर इसका क्या असर है, किस तरह से हिमालयन रीजन पर इसका असर होगा, और किस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं, किस तरह से ये थ्रेट भी क्रिएट कर सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए, और साथ ही जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उस पर इसका क्या असर रहेगा, और जिस तरह कहा है कि नेचर को टच ना करें, 30 से 50% जो हिस्सा अर्थ का है उसको नेचर के लिए छोड़ दिया जाए, बहुत अहम बातें हैं। तो कोस्टल सिटीज हो चाहे हिमालयन बेल्ट हो, सब पर इसका असर पड़ेगा, तो हमें संभल जाने की जरूरत है और समय रहते इसका
इस दिशा में अपने प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि विंडो जो है वो बहुत जल्दी क्लोज हो रही है। हम अगर चीजों को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, अगर वो हाथ से निकल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू पूर्णिमा।